चौपला से। मेरा आज का विषय कक्षा छठी के लिए ज्योमेट्रिकल ड्राइंग में प्रश्न नंबर 3। प्रश्न है एबी रेखा पर दिए बिंदु पी से लंब उठाओ जो रेखा में लगभग अंतिम सिरे पर हो। तो हमारे पास क्या है, एबी रेखा दी है, इस पर हमें लंब क्या करना है, उठाना है। उठाना कहां से, बिंदु पी से। बिंदु पी कहां दिया है, रेखा में लगभग अंतिम सिरे पर, मतलब की है एक तरफ को दिया है बिंदु पी, ये हमारे पास पॉइंट पी, ये पॉइंट है, ठीक है जी। तो इसके लिए हमें क्या करना है, लंब उठाने के लिए हम करते हैं 90 डिग्री का कोण बनाते हैं, समकोण बनाते हैं। तो समकोण बनाने के लिए करना हमने वही प्रकार सोनी है, पी बिंदु पर रखनी है और ये हमने ये चाप लगाई, बिंदु दा, ठीक है, पॉइंट हमारे पास आ गया, पॉइंट मान लो ये है आ। इतनी ही प्रकार की रखनी है, बिंदु आर पर रखनी है और जहां चाप लगा दो, यहां पर इस पॉइंट रखने प्रकार आगे चाप लगा दो और यही रख करके इसको ऐसे ऊपर आपको घालना है। पॉइंट है हमारे पास पॉइंट एस, पॉइंट पी। अब पी पॉइंट रखने प्रकार को प्रकार से उतनी खुली है और ये हमने चाप लगा दी, जहां पर भी दोनों चापे कट रही है पॉइंट और पॉइंट एल, एल को पी से मिला करके, एल को पी से मिला करके हमें करना है लाइन बनानी है, 90 डिग्री का कोण बनाना है। तो हमारे पास पॉइंट पी है, पॉइंट एल से होकर के ये रेखा हमारे पास डार मिलेगी, ठीक है। इसको हम स्केल के साथ ले जाएंगे और इस रेखा को हम करेंगे डार कर देंगे। ये है हमारे पास पॉइंट P और ये हमारे पास हो गया पॉइंट D, ठीक है जी। तो PD लंब हो गया AB रेखा पर, जबकि P कहां दिया है, रेखा के लगभग अंतिम से, ठीक है जी। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 3। मैं आशा करता हूं कि आपको अच्छे से समझ आया होगा। बहुत बहुत धन्यवाद।